चला रे ये देखो टंका गोड़ी ना गोड़ी अरे उन जाती और फाइनली जी हम पहुंच गए जनाब बिराज तीनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसने जो हमारे इतने मेहमान नवाजी की है थैंक यू स्पेशली हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग फ्रॉम बन्नू तो आज आपका भाई एक नाइट टूर पे जा रहा है बन्नू टू सुनवेली एक बहुत ही लिमिटेड डेज है हमारे पास एक शॉर्ट टूर है लेकिन इसमें जो जगह है वो बहुत खूबसूरत है इस तरह हो गया उछाली लेक हो गया कभी की झील हो गया ये एक जगह है डेब शरीफ बहुत खूबसूरत जगह है और इस तरह एक जगह है जिसे आम शरीफ कहते हैं और इस तरह सुल्तान मेहदी हो गया और ये कनेटी गार्डन हो गया इंशाल्लाह इस व्लॉग में इस सीरीज़ में उसको एक्सप्लोर करेंगे और बन्नू से सुनवेली जो है तकरीबन 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनती है और मेरे हाल में ये हम आसानी से शाम तक कवर कर लेंगे तो आज हम जाएंगे बन्नू से नौशहरा रास्ते में एक बहुत खूबसूरत जगह आती है जिसे जनाब बिराज कहते हैं उसका ड्रोन फुटेज वगैरह लेंगे आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे तो मेरे साथ रहो इस सीरीज़ में और मेरे जो व्लॉग्स है इसको एंड तक ज़रूर देखती रहिएगा इंशाल्लाह उम्मीद है ये व्लॉग्स भी आप लोगों को पसंद आएंगे उस्ताद जी फुली का चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून तो फाइनली जी हम आज जा रहे हैं एक नाइट टूर पे बन्नू टू सुनवेली सुनवेली जो है वो एक्चुअली खुशाब में खुशाब यहाँ थे जी एक अप्रोक्सीमेटली 242 किलोमीटर है और जी वहाँ तक पहुँचने में हमें लगेगा मैक्सिमम 5 आवर 14 मिनट्स पहुँच गए नवरंग बाज़ार और यहाँ से फिर हम आगे हाईवे की तरफ कंटिन्यू करेंगे आप लोगों को मैं इंशाल्लाह एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो बहुत खूबसूरत है और अनएक्सप्लोर एरियाज़ है ओहो यार बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है यार अल्लाह माफ़ करे ना 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 नहीं रे अदल रोका कपारे ना ना रोक यू चला रे ये देखो टंका गोड़ी ना गोड़ी अरे उन सा तीन उन सा दागा उन सा वो उन सा दागा जख्मी था खुदाई दर्शक का चश्मा शे रोक यू चचा दल रही सा दादा दल तो दोमरा सुराख तो पूछा है दादा पड़काई पूंछ सा मेरे सामने एक्सीडेंट हो गया मैंने देख रहा था कि रक्षा जो है तकरीबन 3-4 दफ़ा इस तरह उलट गया और एक तो जख्मी हो गया तकरीबन उसके पाँव में चोट लगी थी और उसके एक के सार पे चोट लगी हुई थी अल्लाह माफ़ करे यार ईद के दिन भी हो और इस तरह के जो ये रक्षे वाले हैं ये शरारतें भी करते हैं ना वेलकम टू लकी मरवत लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं हाय हाय सामने देखो सारे के सारे नाच रहे हैं तो ये था जी लकी मरवत और लकी मरवत के लोग भी आपने देख लिए बहुत शौक से नाचते हैं ये लोग खुश आमदीद जनाब बिराज
और फाइनली जी हम पहुंच गए जिनाब बिराज। तो इस वक्त जी हम पहुंच चुके हैं जिनाब बिराज। जिनाब बिराज जो है ये ज़िला मियांवाली और कलबाग के जो कस्बा है तकरीबन उसे 5 किलोमीटर के फासले पर दरिया सीन पर वाक़िया है। ये भी राजस्थान 1945 में ताल इरिगेशन प्रोजेक्ट के तौर पर तामीर किया गया था। जिनाब बिराज जो है ये तकरीबन ज़िला मियांवाली और कलबाग के कस्बे से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर दरिया सीन पर वाक़िया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी जिनाब बिराज के ऊपर। बड़ी महारत खूबसूरत बनाया गया है ये जिनाब बिराज, और साथ में ये जो दरिया है उसके पानी भी बहुत काफ़ी गहरे लगते हैं मुझे। चले यार यहाँ पे कुछ सिटिंग करते हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं यार जल्दी से खुशाब की तरफ। अभी तो हम पहुंच गए यार चूसू पाठक, लेकिन यहाँ पे रास्ता बहुत यार ख़राब है। ये आप लोग देख रहे, ये एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यार नमाज के लिए। शाम हो चुकी है यार, अभी तक तो हम राइडिंग कर रहे हैं तकरीबन सुनवेली, यहाँ से बाकी है 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और अभी अंधेरा भी छाने वाला है और पहाड़ी का इलाके भी शुरू हुआ है। तो सोचता हूँ कि पहाड़ी पे चढ़ जाओ या उधर ही किसी होटल में स्टे कर लो। फाइनली जी हम पहुँच गए नौशहरा खुशाब। काफ़ी यार ख़राब रास्ता था, और अच्छा सा होटल लेंगे और रेस्ट कर लेंगे। काफ़ी तक गया हूँ यार, यही होटल विलेज होटल। तो फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं नौशहरा सुन्स केसर वैली, और यहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारा सा दोस्त मिल गया है हमजा अली, और बहुत ही काइंड हार्ट का मालिक है, उसने जो हमारा बहुत हेल्प की है रूम लेने में। तो हमजा अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नहीं आप क्यों सर, इंशाल्लाह कोई खिदमत और मौका मिले तो इंशाल्लाह बताएं आपकी हम खिदमत करेंगे, और भी आए खाना वगैरह आपको खिलाते हैं और फिर इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा तो यहाँ पे मुझे मिले हैं बहुत प्यारे दोस्त, ये जी है हमजा अली भाई,
और साथ में वाहिद भाई और हमजा का दोस्त है अवेश भाई और साथ में ये आकिब भाई, और तीनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने जो हमारे इतने मेहमान नवाजी की है, थैंक यू स्पेशली हमजा भाई। इसमें कोई मसला नहीं, आप हमारे मेहमान हैं और इंशाल्लाह जब भी आप आएँ हमारी तरफ इंशाल्लाह कांटेक्ट करें हमारे पास आए इंशाल्लाह। शुक्रिया मेहरबानी सर, थैंक यू। तो फाइनली जी तकरीबन हम ने होटल में रूम लिया और इस रूम का हमने पे की है 1000 रुपये पर नाइट, कुछ रूम का इस तरह सीन है। यहाँ पे मैंने गोप्रो और ड्रोन वगैरह चार्ज करवाने के लिए रखे हुए, मेरे टिंग बैग वगैरह हैं, यहाँ पे इस तरह मेरा आर्मर जैकेट। और जब हम बनू से आ रहे थे तो रास्ते में बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना मौसम काफ़ी बेहतर है। अभी देख पंख भी बंद है और मुझे जो ना हल्का हल्का सर्दी लगने लगी है। तो यह भी जी मैं अपना व्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ, और स्पेशली थैंक्स टू हमजा भाई और उवेश भाई और इसका जो तीसरा दोस्त था उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने हमारा जो है ना बहुत हेल्प किया, स्पेशली जो उसने खाने का जो सीन चलाना बहुत ही उसम था भाई, बहुत ही प्यारा। और ये तीनों इतने ज़बरदस्त इतने क्लोज थे ना, इतने बेहतरीन फ्रेंड थे कि मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा उसकी मेहमान नवाजी, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह उसका अजर देगा ज़रूर। और मैं ये व्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।